हेलो एवरीवन। तो मेरा कल और परसों में थोड़ा सा जो है गले में खराश हो रही थी। तो आजकल तो हम वैसे भी बहुत डर जाते हैं अगर जुकाम या खांसी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसके लिए मैंने घर में जो है वो काढ़ा बनाया और उससे मुझे काफी रिलीफ मिला। तो मैं आज दोबारा से उसे बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना काढ़े की रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको कोल्ड वगैरह फील हो रहा है तो आप इसे बना के पी सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल भी हो तो भी आप पी सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया काढ़ा। तो हमें काढ़ा बनाने के लिए चाहिए तुलसी, अदरक, काली मिर्च और हनी। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें पानी। तो काढ़ा जो है वो ज्यादा दिन के लिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि एक दो दिन के लिए इनफ होता है, गरम करना पड़ता है उसे क्योंकि गरम ही पीते हैं काढ़ा इसलिए। तो मैं इसमें 2 मग जो है वो पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी के लिए भी बना रही हूँ। इसके अलावा जो है ये थोड़ा सा ना बॉईल होके कम भी हुआ, यानी कि ये फिट भी जाएगा तो ये कम वैसे ही हो जाएगा। तो जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम थोड़ा सा अदरक जो है वो काट लेंगे, छील लेंगे। जो अदरक है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें डाइजेशन के लिए। इसके अलावा कॉमन कोल्ड और फ्लू में भी जो है काफी हेल्पफुल होता है ये उसको ठीक करने के लिए। नॉर्मली जो सुबह की चाय है, आजकल तो खैर हमेशा ही हमें डाल देनी चाहिए, चाय में डालते रहना चाहिए अदरक क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर। तो ये उसके लिए भी काफी सही है। तो मैं इसे फटाफट से यहाँ पे काट दूंगी, छील के काट दूंगी थोड़ा सा। तो इसे छीलने के बाद हम इसे कूट लेंगे। तो ज्यादा बारीक नहीं करना है इसे, और फिर हम इसे डाल देंगे पानी में। तो तुलसी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तुलसी जो है वो इंडिया में ऑलमोस्ट सभी के घर में होती है, पूजा वगैरह में भी यूज होती है इसलिए। और तुलसी के बहुत सारे जो है, हम वैसे भी जानते हैं आयुर्वेद में तुलसी को बहुत ज्यादा मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। ये है हमारा तुलसी का पौधा और ये बद्रीनाथ की तुलसी है, इसे बद्री तुलसी के नाम से ये जानी जाती है। इसकी लीव्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, नॉर्मल तुलसी से काफ़ी बड़ी होती है जैसे ये है। तो अब हम इसको तोड़ लेंगे कुछ लीव्स। इसमें डाल देंगे तुलसी के पत्ते डाल दिए। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। तो मैंने ज्यादा नहीं लिए, थोड़ी सी काली मिर्च ली है और इसे भी अब मैं कूट लूंगी थोड़ा सा। और इसे भी अब हम जो है इस पानी में ऐड कर देंगे। ज्यादा भी नहीं डालनी है, मैंने इसमें 5 डाली होंगी, 5 काली काली मिर्च डाली है इसमें। और अब हम इसे थोड़ा सा उबलने देंगे। तो अब इसमें उबाल आने लग गया है। इस काली मिर्च जो होती है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और इसके अलावा ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो जिन्हें होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है काली मिर्च, तो उसके काफी सारे फायदे हैं। तो हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जो इसमें तुलसी के पत्ते हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर जो हमने अदरक डाला है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और काली मिर्च का भी इसमें जो टेस्ट है ना बेसिकली वो आ जाएगा निखर के एकदम। तो इसे हमें काफ़ी अच्छे से बॉईल करना है और काफ़ी खिटाना है, खिटाना इज लाइक बहुत ही कम होने तक, रिड्यूस होने तक बॉईल करते रहना है। तो अभी ये बहुत ही अच्छे से उबल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है।
तो बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे अब मैं मग में निकाल दूंगी। अब हम इसमें हनी को ऐड कर देंगे। सो हनी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है एंड हनी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन एंटीबायोटिक ऑल्सो। सो गाइज इसे जरूर बनाओ आप भी एक बार। तो अब आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है और ये बनाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सो गाइज ये था आज का ब्लॉग जिसमें मैंने आपको बताया काढ़ा कैसे बनाते हैं एंड आप जरूर इसे ट्राई करिए अगर आपको कोल्ड है तब भी और अगर नहीं है तब भी करिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर बाय बाय।